इस यूनिवर्सिटी से और इसके साथ ही खुलने वाली एक दूसरी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, दोनों की शुरुआत एक साथ हुई थी और दोनों से वाबस्ता होने का मौका मिला शुरुआत के दिनों से ही। ख़ास तौर से पिछले वाइस चांसलर प्रोफेसर पठान, जिस सर्च कमेटी से चुने गए थे उसमें इत्तेफाक से मैं भी था, और वर्धा की यूनिवर्सिटी से तो जुड़ा हुआ हूँ, जाता रहता हूँ, लेकिन पहली बार इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये मौका दिया कि इस यूनिवर्सिटी को अपनी आँखों से देख सकते, इसलिए मेरे लिए ये दिन आज का बहुत अहम है। एक सपना था जो पूरा हुआ था और आज उसको फलते फूलते देखता हूँ, बल्कि महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से बेहतर स्थिति में पा रहा हूँ। जहाँ तक मौका है जिसके बारे में प्रोफेसर दिलीप सिंह ने आपको बताया, शमशेर की ये शताब्दी सेंटनरी मनाई जा रही है, उत्तर में कई जगहों पर मनाई जा रही है और मनाई गई है, लेकिन विंध्याचल से नीचे ये पहला शहर है हैदराबाद और ये पहली यूनिवर्सिटी है जो शमशेर को याद कर रही है, और साझे रूप में जो ज़रूरी है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी दोनों मिल के शमशेर को याद कर रहे हैं, उसमें शिरकत करने का मुझे मौका मिला है। दिलीप सिंह ने लगे हाथों कहा कि शमशेर मुझे सैयद कहते थे, तारीफ में नहीं मजाक में। वो एक ज़माने में मजाक में ही अकबर इलाहाबादी ने बड़े सर सैयद के बारे में कहा था कि समझ लो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में, समझ लो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। तो शमशेर तारीफ में नहीं कह रहे थे कि पढ़ता लिखता नहीं है, ये प्रोग्रेसिव राइटर से एसोसिएशन का काम करता रहता है। तो ये था अंदाज शमशेर का, और अक्सर लोगों को वहम हो जाया करता था और उसे लोग तारीफ समझ लिया करते थे, जबकि बहुत महीन सटायर हुआ करता था। इसलिए मेरी तारीफ में सर सैयद नहीं कहा था उन्होंने, क्योंकि अकबर इलाहाबादी ने भी तारीफ में नहीं कहा था सर सैयद के, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। बहरहाल, तो जहाँ तक शमशेर का सवाल है, जैसा प्रोफेसर दिलीप सिंह ने कहा कि ख़ास बात यह है कि शमशेर जिस तरह के शायर थे, बहुत शर्मीले, अगली कतार में तो कभी कहीं बैठते ही नहीं थे, चुप्पा रहते थे पीछे से, यानी किसी की नज़र पड़ती नहीं थी, वो छिपे हुए बैठे रहते थे। एक अरसे से मैं जानता हूँ और अपनी यादगार की बात जब करूँगा तो उस सिलसिले में उनका जिक्र करूँगा। ऐसे शमशेर को बहुत देर से, क्योंकि ऐसे कई शायर होते हैं, अदीब होते हैं जो वो सीधे अगली कतार में बैठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हर एक की नज़र उसी पर पड़े। उस शमशेर की शायरी भी ऐसी रही है, ऊंची आवाज़ में कभी बोलते उनको सुना नहीं गया, बहुत मध्यम स्वर में चुपके से बोलते थे, एकदम आवाज़ बहुत कड़क थी उनकी।
जो उनका रूप था जैसा जिसकी ओर इशारा किया है प्रोफेसर दिलीप सिंह ने कि दरअसल उर्दू के कैसे शायर थे, कितने बड़े थे या छोटे थे, ये उर्दू वाले इस पर फैसला दे सकते हैं, हम नहीं कह सकते। लेकिन मुजफ्फरनगर के थे वही शमशेर, मुजफ्फरनगरी है शायद उनके शेर की एक लाइन है। तो उनकी पढ़ाई हुई थी उर्दू से शुरू हुई थी। वेस्टर्न यूपी में आमतौर से उर्दू का चलन ज़्यादा है, वो खड़ी बोली हिंदी पछाह की ज़बान मानी जाती है, आगरा दिल्ली की ज़बान मानी जाती है, बिहार की और बनारस की या लखनऊ की ज़बान ये नहीं है। तो पछाह के थे और जाहिर है वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू में उर्दू में ही हुई। और देहरादून से बाद में अगर वो इलाहाबाद ना आए होते और हरवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के बाप, तो हरवंश राय बच्चन और पंडित नरेंद्र शर्मा जो वो भी उसी तरफ के रहने वाले थे, पछाह के ही थे, ये लोग खींच न लाए होते इलाहाबाद तो शायद वो उर्दू में ही कहते रहते, हिंदी में लिखते ही नहीं। तो दोनों में लिखा। और ये जो दो आब है जिसकी ओर इशारा किया गया, ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और हैदराबाद की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी दोनों ने मिल के इस दो आब को पहचाना है। ये खासियत है, कम से कम शमशेर के बहाने दोनों जवानें एक जगह तो आई और दोनों आपसे रिश्ते को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए ये जलसा, इसकी खसूसियत ये है, ये नहीं कि शमशेर को याद कर रहे हैं बल्कि दोनों जबानों को नहीं, दो कल्चर हैं। और ये शमशेर ने अपनी कविताओं में लिखने में शुरू में कहा, दलीप सिंह जिसका जिक्र कर रहे थे, कि वो पहला लेख कोई सोच नहीं सकता था और मुसद्दस लिखा था मौलाना हाली ने, उस मुसद्दस को और लगभग उसी से मुतासिर हो करके उसके बाद 10 साल बाद हिंदी के कवि जो राष्ट्र कवि कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त, जो बुंदेलखंड के रहने वाले थे झांसी के, उन्होंने उसकी अहमियत को पहचाना और उन्होंने भारत भारती नाम की कविताओं की किताब लिखी, से मुतासिर होकर के लिखा उन्होंने। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है और कैसी है दोनों किताबें, हिंदी वाले नहीं जानते थे, हिंदी वालों ने मुसद्दस नहीं पढ़ा था, उर्दू के लोग जानते थे, मुसलमानों से उसका ताल्लुक था और मुस्लिम कौम के बारे में उन्होंने लिखा था। इसे पहचाना और दोनों के रिश्ते क्या हैं, ये दो जबानों में लिखी हुई दो कविता की किताबों का जिक्र नहीं था बल्कि दो जो कल्चर है उनके क्या रिश्ते हैं, उसको ढूंढ करके उस समय और दोआब नाम की किताब को पहला ही लेख है। डॉक्टर इकबाल के बारे में भी उन्होंने लिखा था और बताया कि डॉक्टर इकबाल किस तरह से उन पर असर था, पढ़ रखा था उन्होंने जो हिंदुओं की कल्चर थी उससे वाकिफ थे। तो शमशेर सिर्फ मौलाना हाली नहीं, इकबाल को भी और उतने ही ध्यान से पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा हुआ लेख इकबाल पर हिंदी में पहला लेख था डॉक्टर इकबाल के बारे में। तो शमशेर में और दोनों मजहबों और इन चीज़ों के बारे में बराबर इस कविता में लिखते रहे। मैं दो कुछ एक नमूने आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका एक शेर है, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। इसलिए ये दो आँखें उनके लिए थी। अगर ज़बानें हैं तो कहना चाहिए वो सांप की ज़बान है जो कटी रहती है, दो होते हैं, इसलिए इनमें काटने की ताकत भी है और ज़िंदा करने की भी है। ये दोनों, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू,
हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। फिर उन्होंने लिखा है, एक रुबाई लिखी उन्होंने कि हैं आसमाने हिंद के तारे दोनों, हैं सर जमीने पाक के प्यारे दोनों, ये किसकी नज़र खाए जाती है उन्हें आपस ही में लड़ लड़ के हारे दोनों। जोर समझिए, हारे दोनों, जीते नहीं। इस लड़ाई में दोनों की हार है, जो जीतने वाला है वो भी हारा हुआ है। इसलिए ये समझ के साथ दोनों मज़हबों के बीच, दोनों ज़बानों के बीच, केवल ज़बान का मामले उनके लिए नहीं था बल्कि दो तमद्दुन उनके बारे में था। और ये शुरू से लेकर के आखिर तक इसको निभाते रहे शमशेर। उन्होंने यहाँ तक कि जो चीज़ हिंदी के कवि पर हिंदी में लिखी जा सकती थी, और कई लोगों ने लिखा, जब उनके दोस्त गजानन माधव मुक्तिबोध जो मराठी भाषी थे, नागपुर में बहुत दिनों तक नौकरी की और बहुत तरक्की पसंद शायर के रूप में मशहूर हैं हिंदी में, शमशेर से पहले उनकी डेथ हो गई थी, और वो दोस्त थे उनके, उन्होंने शमशेर पर जो कविता लिखी वो हिंदी में नहीं लिखी, बहुत प्यार करते थे, नज़दीक थे, उन्होंने उर्दू में लिखी। ज़माने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपकी बेगाना हो जाए। गरीबुद्दहर थे हम, उठ गए दुनिया से, अच्छा था हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। वो सर मस्तों की महफिल में गजानन मुक्तिबोध आया, सियासत सियासत जाहिदों की खंदे दीवाना हो जाए। मुक्तिबोध पर उम्मीद थी कि वो हिंदी में कविता लिखते, लेकिन उनको जो जो दर्द या जो उठा तो उर्दू में ही उठा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ही ऐसे मोमेंट जो होते हैं उसमें भी बहुत निजी अपने, उस समय भी उनको उर्दू ज़बान ही याद आती थी। और हैदराबाद में हम लोग याद कर रहे हैं, उन दिनों वो कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार में काम करते थे बम्बई में, और 48 में जब निज़ाम शाही के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी, मखदूम खड़े थे यहाँ, जो आपके जाने पहचाने हमारे सबको शायर हैं, कम लोग जानते हैं, किसी की नज़र नहीं पड़ी है, शमशेर ने निज़ाम शाही के ख़िलाफ़ 1948 में छोटी सी नज़र लिखी थी, कम लोगों की नज़र इस पर पड़ी है। ये चालबाज हुकूमत दुरंगियों का गढ़ बनी हुई है, अभी तक फिरंगियों का गढ़, वो बन न जाए कहीं खाना जंगियों का गढ़, स्वतंत्र होना है जनतंत्र के सिपाही को, कि अपने खून से धोना है इस स्याही को, लगे अवाम की ठोकर निज़ाम शाही को। तो निज़ाम शाही के ख़िलाफ़ जो थोड़ी सी नज़में हिंदी में लिखी गई थी, शमशेर उस वक्त भी, और ये छोटा सा इसलिए आज मुझे ये याद आया कि हैदराबाद में उन तमाम बातों को भूल गए, हैदराबाद में अब नया दौर चल रहा है, कुछ उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, ज़्यादा गर्म है वो। तो हैदराबाद में मुनासिब है कि किया जा रहा है, जहाँ तक ऐसा ना समझे कि इन बातों को कहने से कि वो बहुत सियासी ढंग की नज़में कहने वाले, शेर कहने वाले कवि थे, वो बहुत ही नफीस और नफासत, वो तस्वीरें चित्र बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पेंटिंग करने वाले, तमाम पेंटिंग है उनकी उन्होंने बनाई है, रंगों से खेलते थे जैसे वो शब्दों से खेलते हैं। और आप लोगों से जो लोग परिचित हैं, पेंटिंग में भी और शायरी में भी एक आंदोलन चला था
वेस्ट में, जिनको जिसको इम्प्रेशनिज्म कहा जाता था, इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग आपने देखी होगी, जिस कलर का इस्तेमाल करते थे, तो उनकी पेंटिंग भी ऐसी है। और सच पूछिए तो वो जिसे अंग्रेजी में एस्थीट कहते हैं, वो पॉलिटिकल पोएट नहीं थे, गर्जन तर्जन वाले बहुत वो कभी नहीं थे। जैसे वो रंगों से खेलते थे, उसी तरह से वो सुंदरता के कवि थे। शायद उर्दू के लोगों को ये कहते समझ आएगा कि बहुत कुछ एक हिस्सा उनमें अपने प्यारे शायर मजाज का था, शक्ल सूरत भी मजाज जैसी ही थी, वो तीखी नाक नक्श वाले दुबले पतले, जिन लोगों ने मजाज को देखा होगा, असरार उल हक मजाज, उनकी बहन ने बहुत अच्छी किताब लिखी है मजाज पर, हिंदी में भी वो आ गई है, मैंने पढ़ी है। तो मजाज को आप याद करें तो कुछ कुछ आपको मजाज की सी झलक मिलेगी। गो पॉलिटिकल उतने नहीं हैं शमशेर, इसलिए ज़्यादातर उनकी कविताएं जो हैं वह सुंदरता की, ब्यूटी की बारीकियों कविता में ले आते हैं। और आम तौर से कविता उनकी सारी की सारी, इसलिए सबसे वो अकेले हैं, कुछ नमूने आपको दूंगा, और शब्दों से जिस तरह वो बारीकी से खेलते हैं। एक उनके दो शेर हैं जिससे अंदाज़ा लगा है, ख्याल भी है मेरा जिस्म गो नहीं वह मैं, ख्याल भी है मेरा जिस्म गो नहीं वह मैं, ये जिंदगी की है एक किस्म गो नहीं वो मैं, जो होने होने को हो वो मैं हूँ यकीन करो, खुदा भी है ही मेरा इस्म गो नहीं वो मैं। बार बार पढ़ें आप, एक हूँ लेकिन गो नहीं वो मैं, फिर क्या हूँ, ये जो एम्बिग्विटी है, सीधे सपाट कहने वाले नहीं थे, ये जो नफासत है जो एक स्थित में होती है, सुंदरता की छायाओं को देखने वाले कवियों में शमशेर थे, इसलिए बहुत मुश्किल शायर हैं शमशेर। उन्होंने एक रुबाई लिखी है, रुबाइयाँ भी कोई लिखी हैं जो मुश्किल होती है, कम लोगों ने लिखी हैं, गज़ल के शेर तो हैं ही। हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, ख्याल को सनम समझे थे, हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे, होना था समझना न था कुछ भी शमशेर, होना भी कहाँ था वो जो हम समझे थे। फिर सुनिएगा, हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे, होना था समझना न था कुछ भी शमशेर, होना भी कहाँ था वो जो हम समझे थे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शमशेर किस तरह के शायर थे, बहुत मुश्किल, बारीकी बारीकी की तह में जाने वाले शायर थे। यही वजह है कि उतने पॉपुलर नहीं हुए वो। कुछ शायर होते हैं जो बहुत गर्जन तर्जन वाले होते हैं और महफिल लूट लेते हैं, लेकिन उसके बाद लोग भूल भी जाते हैं उन्हें। ये टिकाऊ ढंग के शायर, इसलिए मैंने कहा कि स्थिर थे सुंदरता की, मैंने कहा कि इसलिए वो कुछ कुछ मजाज की तरह से शर्मीले, जिन लोगों ने आप लोगों में से असर मजाक को देखा होगा, मजाज बहुत शर्मिले। आखिरी दिनों में मैंने उनको मजाज को कलकत्ते में देखा था, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस 1952, और हजारीबाग जेल से वो छूट के आए थे, मुशायरा हो रहा था, गए नहीं उसमें, सरदार जाफरी उनको आखिर में बहुत खींच करके ले आए, वो बाहर घूम रहे थे, हड्डियों का ढांचा था और अपने अंदर अंदर गुनगुनाते हुए घूम रहे थे।
वो आखिरी, उसके बाद वो लखनऊ गए और लखनऊ एक रात को लोगों ने बैठा, बहुत पिला उला दिया और उनकी डेथ हो गई। तो शमशेर को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे उर्दू का कोई शायर याद आता है तो असरारुल हल्क मजाज आते थे, और मजाज को कम करके यहाँ का उसका सबूत ये है कि उनके भी 100 साल हो गए हैं। फैज़ को लोग याद कर रहे हैं, मजाज को कोई याद नहीं कर रहा है, कोई नहीं है, उर्दू वाले भी नहीं। यानी जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए और अली सरदार जाफरी वगैरह तो बाद में उनके साथ पास आए, वो आदमी वहाँ का जिसके बारे में लिखा है कि लड़कियाँ उसकी किताब को छाती से लगाए हुए अपने और पढ़ती थी, रोती थी, हीरो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मजाज। एक भी कहीं कोई सेमिनार न लखनऊ में हुआ, न अलीगढ़ में हुआ, न दिल्ली में हुआ, भूल गए लोग। शमशेर भी शायद भूल जाते हैं, नहीं याद करते लोग, क्योंकि बहुत वो शाई नेचर थे, प्रोज इतना अच्छा लिखते थे। शमशेर के ख़त अब भी मिल रहे हैं, उनकी एक लंबी कविता जिसका जिक्र मैंने एक जगह किया है कि वो लिखते चले जाते थे और आमतौर से वो हिंदी की कविताएं भी उर्दू में ही लिखते थे, वो बाद में उतार लेते थे। तो कभी झोंक में उनके कुछ आया, टूटी हुई बिखरी हुई उसका नाम है, और टूटी हुई बिखरी हुई उनकी ज़िंदगी थी, टूटी हुई बिखरी उनकी कविता है, अधूरे वाक्य, छोटे छोटे शब्द हैं, और वो इशारा ज़्यादा करती है, खुद कहती कम है। वो पड़ी हुई थी, अचानक देखा तो उन्होंने अपनी डायरी में कहीं डाल रखा था, मैंने कहा ये पोएम है, और लंबी पोएम है, टूटी हुई बिखरी हुई। और वो एक तरह से उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी की दास्तान थोड़े में कही गई है, वो लंबी कविता बाद में छपी, तब लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी कविता कहीं खो गई होती, क्योंकि उन्होंने लिख करके छोड़ लिया था। ऐसे जिसको कहें कि खब्तुल हवास आदमी और शायर को हम लोग आज याद कर रहे हैं, तो मौका है, अब धीरे धीरे उनकी पूरी की पूरी कुलियात छप के आने वाली है, तैयारी उसकी हो गई है, और आने के बाद मेरा ख्याल है तब हम समूचे शमशेर को देखेंगे और नए सिरे से पहचानने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं उनको उस तरह के कवियों में जानता हूँ जो बहुत पॉपुलर होने वाले नहीं हैं। फ्रांस में जैसे मालार्मे था, मालार्मे जैसा कम लिखा है लेकिन अपने ढंग का बेमिसाल है, जो 8 for 8 वाले जिसको कहते हैं, कला कला के लिए वाले, उन लोगों में से स्थिर थे, जैसा मैंने कहा ये उनकी तबीयत थी, ये उनका मिजाज था, ये उनकी शायरी थी, और ये दौलत है उर्दू की भी हिंदी की भी, क्योंकि न हिंदी में दूसरा शमशेर हुआ, और मेरा ख़्याल है कि उर्दू के लिए तो उर्दू उनके लिए उर्दू के तो हाशिए पर थे वो, और कभी कभी हाशिया आरई की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उस हाशिए पर रहने वाले शायर को भी ये यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, याद कर रही है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, भले ही वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के साथ मिल करके कर रहे हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो छोटा सा सेमिनार, बड़ी सभा न सही, उसमें वाइस चांसलर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उनको फिर से गौर से पढ़ा जाए। शुक्रिया।